नमस्कार फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो हम डिस्कशन करने वाले हैं इंडियन पोस्ट ऑफिस की जो लेटेस्ट रिक्रूटमेंट है इसके बारे में। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हो, 27 जनवरी 2023 को इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी हो चुका है और यहां पर लगभग 40,000 प्लस यानी अप्रोक्स 40,000 प्लस पोस्ट है वो इसकी आई हुई है, जिसका अलग अलग जोन में अलग अलग पोस्टें रहेगी, उसके बारे में भी हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं बेसिक है स्ट्रक्चर, इसके बारे में हम इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को इनेबल कर दीजिए। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हो, एप्लीकेशन फॉर्म है वो इन्वाइटेड किए गए हैं जो कैंडिडेट इसके लिए एप्लीकेबल है। इसके लिए जैसा कि आप देख पा रहे हो, GDS यानी ग्रामीण डाक सेवक, इसके अंतर्गत यहां पर ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी BPM और ABPM यानी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, इसकी जो है यहां पर रिक्रूटमेंट निकली है। तो इसके जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हो, यहां पर जो शेड्यूल जारी किया गया है, यहां पर रजिस्ट्रेशन और जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी सबमिशन की जो डेट है वो यहां पर 27 जनवरी से लेकर के यहां पर 16 फरवरी 2023 तक आप इसको भर सकते हो। यहां पर जो एडिट की डेट है या फॉर्म में कोई भी करेक्शन हो जाता है उसके बाद में जो एडिट की डेट रहेगी, यहां पर 17 फरवरी से लेकर के 19 फरवरी यहां पर 2 से 3 दिन दिए गए हैं। तो इन 3 दिन के दौरान आप है वो अपना फॉर्म है किसी भी प्रकार का जो करेक्शन है वो कर सकते हो। अब हम बात करते हैं इनकी सैलरी यानी वेतन के बारे में। तो यहां पर BPM है, इसका जो वेतन यहां पर स्लेब आप देख पा रहे हो 12,000 से लेकर के 29,380, जबकि ABPM यानी डाक सेवक, इसका जो यहां पर सैलरी वेतन है वो 10,000 से लेकर के 24,470 के अलावा है। जो भी अलाउंसेज है यानी DA TA HR है वो इनके लिए एप्लीकेबल रहेंगे। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है, इसको मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा या फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड भी कर सकते हो, तो यहां पर आप इसको डिटेल से पढ़ सकते हैं। यहां पर सारी जानकारी वो शॉर्ट में देख लेते हैं। तो यहां पर जो है सबसे पहले तो ब्रांच पोस्ट मास्टर है, इसके क्या काम है और किस प्रकार इनका रेसिडेंस और एकोमोडेशन है, इनकी जो प्रोफाइल है इसके बारे में आप यहां से पॉज करके पढ़ सकते हो। और जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हो, उसके बाद में असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, इसके बारे में भी यहां पर जो वर्क वगैरह है इसके बारे में आप यहां पर पढ़ सकते हो पॉज करके। और उसके बाद में डाक सेवक आप देख पा रहे हो, इनके जो कार्य है और इसके बारे में भी आप यहां से पढ़ सकते हो। उसके बाद में हम यहां पर बात करते हैं इस क्राइटेरिया के बारे में। तो यहां पर जो पोस्टें हैं BPM ABPM यानी डाक सेवक वगैरह, तो इनके लिए क्या एज लिमिट है और क्या किस प्रकार की जो क्वालिफिकेशन है उसकी रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले यहां पर एज लिमिट की बात करें तो यहां पर 18 वर्ष मिनिमम और मैक्सिमम यहां पर 40 वर्ष है। और यहां पर जो 40 वर्ष है यानी फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है उस दौरान तक आप 40 वर्ष के ही होने चाहिए, यदि आप ज्यादा होते तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रह पाओगे। इसके अलावा यहां पर जो कैटेगरी है, जैसे कि SC ST में 5 साल का रिलेक्शन दिया गया है, OBC के लिए 3 साल का रिलेक्शन दिया गया है, EWS के लिए यहां पर कोई भी रिलेक्शन नहीं दिया गया है, और उसके बाद PWD है उनके लिए 10 वर्ष का, और PWD जो OBC के कैंडिडेट है उनके लिए 13 वर्ष, और PWD ST ST के जो कैंडिडेट है उनके लिए 15 वर्ष का यहां पर एज में रिलेक्शन दिया गया, यानी इतने वर्ष की आपको आयु सीमा में छूट दी गई है। एज से संबंधित आप किसी भी प्रकार की छूट लेना चाहते हैं, जैसे PWD ST SC किसी भी प्रकार की आप छूट लेना चाहते हैं, तो उससे संबंधित आपको सर्टिफिकेट नवीनतम है वो पेश करना पड़ेगा। यदि आप इस प्रकार का सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आप एज लिमिट का जो रिलेक्शन लेना चाहते हो वो उसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे। तो इससे संबंधित जो भी सर्टिफिकेट है वो आपको तैयार कर लेने हैं, उनके बारे में क्या रूल है क्या रेगुलेशन है वो आप स्वयं जानते होंगे। कि अब बात करते हैं हम इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन में आपके पास जो सेकेंडरी एजुकेशन एग्जामिनेशन, जिसको हम 10th कहते हैं, तो यहाँ पर 10th स्टैंडर्ड की जो क्वालिफिकेशन है वो आपके पास होनी चाहिए, यानी 10th क्लियर होनी चाहिए। इसमें जो मैथमेटिक्स और जो इंग्लिश है वो 10th में आपके एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट होने चाहिए। इसके साथ साथ ये जो डिग्री है वो वैलिड बोर्ड से होनी चाहिए, यानी किसी भी भारत की स्टेट से हो सकती है लेकिन वो कम्प्लीटली वैलिड होनी चाहिए यानी ऑथोराइज होनी चाहिए, आप इसके लिए एलिजिबल हो पाओ। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख पा रहे हो, द एप्लीकेंट शुड हैव स्टडी द लोकल लैंग्वेज, यानी लोकल लैंग्वेज है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। नेम ऑफ लोकल लैंग्वेज यहाँ पर आप देख पा रहे हो, एटलीस्ट अप टू सेकेंडरी स्टैंडर्ड एज कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट अवेलेबल है, यानी जो लोकल लैंग्वेज है कोई भी जो क्षेत्रीय भाषा है उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पर देख पा रहे हो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, साइकिलिंग वगैरह का नॉलेज होना चाहिए और एडेक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। तो यहाँ पर इस प्रकार के जो एडिशनल जो क्वालिफिकेशन है ये आपके पास होनी चाहिए। अब यहाँ पर नोट लगा करके भी दे रखा है तो कुछ इसको भी आप देख लेना। और यहाँ पर जो इस प्रकार की जो क्वालिफिकेशन है यह आपके पास होनी चाहिए। और यहाँ पर आप और जो सेकंड यहाँ पर एक नोट लगा देख रखा है, यहाँ पर जो आप देख पा रहे हो नोट लगाकर, यहाँ पर आपको जो अंडरटेकिंग है जो शपथ है वो आपको सबमिट करनी पड़ेगी। उसका जो फॉर्मेट है वो नीचे ही रहेगा इसी PDF के अंतर्गत, तो वो वहाँ से आप डाउनलोड
करके उसका प्रिंट निकाल करके जो भी सिग्नेचर वगैरह करके उसको वेरीफाई कर सकते हो। ये कुछ दो नॉट लगा रखे हैं तो इनको आप पॉज करके पढ़ लेना, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दे रखी है। उसके बाद यहाँ पर रिजर्वेशन, यहाँ पर आपको SC ST OBC और EWS और PWD का जो आरक्षण है वो आपको दे होगा। इसके लिए आपको जो निर्धारित सर्टिफिकेट है, जो भी भारत सरकार की गाइडलाइन है, उसके अकॉर्डिंग बना हुआ होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो पाओगे। उसके बाद यहाँ पर जो भी कैटेगरीज है उनका आप लाभ लेना चाहते हो तो इस प्रकार के जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास है वो होने चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो पाओगे। इसका जो फॉर्म है वो किस प्रकार अप्लाई कर सकते हो, तो यहाँ पर जैसा कि आप यहाँ पर इंडियन पोस्ट ऑफिस की ये जो वेबसाइट दे रखी है इस पर जाकर के ये लिंक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, डायरेक्ट आप वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाओगे। तो यहाँ पर आपको जो भी बेसिक डिटेल है, सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आपके सामने जो फॉर्म है वो खुल जाएगा। फॉर्म खुलने के बाद यहाँ पर स्पेशली यहाँ पर जो फीस पेमेंट है जो उसकी ज़्यादा नहीं रहेगा, 100 रुपये है, और उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो आपको यहाँ पर अपलोड करने पड़ेंगे, और उसके बाद जो भी सिग्नेचर फोटो वगैरह है कंप्लीट करके आप यहाँ से जो फॉर्म है वो सबमिट कर पाओगे। उसके बाद सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करते हैं, तो यहाँ पर एप्लीकेशन विल बी शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा आपको फॉर एंगेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ए सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट। जो कि मेरिट लिस्ट है उसके बेस पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा, यानी एक मेरिट बनेगी उसके बाद ही आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो पाएगा, शॉर्ट लिस्ट की जाएगी। तो यहाँ पर मेरिट है वो आपने 10th जो स्टैंडर्ड है यानी सेकेंडरी एजुकेशन एग्जामिनेशन यानी 10th का जो स्टैंडर्ड है उसमें आपने जो भी परसेंटेज किया गया है, आपने जो भी परसेंटेज है वो ऑब्टेन किया है, उसके आधार पर यहाँ पर है वो आपको मेरिट है वो बनाई जाएगी, और उसके बाद यहाँ पर एक्यूरेसी रहेगी फॉर डेसिमल, आप यहाँ पर देख पा रहे हो, तो इसके आधार पर यहाँ पर आपकी मेरिट है वो प्रिपेयर की जाएगी। जिनकी इंग्लिश और मैथमेटिक्स है तो उनके जो यहाँ पर स्कोर है वो काफ़ी अच्छा बन जाएगा और उनके सिलेक्शन के चांसेस भी यहाँ पर बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो 10th की जो मार्कशीट है उसी के बेस पर यहाँ पर है वो मेरिट तैयार की जाएगी। इसको समझने के लिए यहाँ पर कुछ टेबल दे रखी है, तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर समझ सकते हो। ये टेबल यहाँ पर कम्प्लीटली दे रखी है और यहाँ पर जो पॉइंट दे रखे हैं और साथ में ग्रेड दे रखे हैं और इसका जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर रहेगा वो कुछ इस प्रकार रहेगा, तो इस टेबल प्रकार है वो यहाँ पर मेरिट है वो शॉर्टलिस्ट की जाएगी। इसको आप फिर से यहाँ पर जो भी फैक्टर दे रखे हैं तो मेट किस प्रकार बनाई जाएगी, तो इसको आप ध्यान से पढ़ लेना। PDF को हम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें ना। उसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हो कम्युनिकेशन ऑफ सिलेक्शन, तो यहाँ पर जो कैंडिडेट है वो मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं यानी सेलेक्टेड हो जाते हैं, तो उनकी जो लिस्ट है वो वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी, तो वहाँ पर आप रेगुलर विजिट करते रहिए या फिर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिए, वहाँ पर हम आपको सूचना है वो प्रोवाइड करवा देंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, जो भी स्पेसिफिक प्लेस होगा वहाँ पर जो भी टीम है उनके द्वारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, यहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे और डॉक्यूमेंट जैसे ही वेरीफाई होंगे सक्सेसफुली आपका जो वेरिफिकेशन होगा उसी के बाद ही आपका सिलेक्शन है वो तय हो पाएगा, तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिए। और सारे के सारे डॉक्यूमेंट है वो आप रेडी कर लेना, यदि आपको लगता है कि मेरे सिलेक्शन के चांसेज है तो इस हिसाब से आप जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसकी लिस्ट है वो तैयार कर लेना। तो इस प्रकार यहाँ पर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनकी जो लिस्ट है वो यहाँ पर वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी और इसकी सूचना हम टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो वैकेंसीज है वो काफ़ी बड़ी है, जो कैंडिडेट है वो भारतीय डाक सेवा में जाने के इच्छुक है तो डेफिनेटली वो जा सकते हैं, तो इसको आप स्वयं है वो अपने स्तर पर पढ़ सकते हो और उसके बाद में एश्योर हो जाना। लगभग हमने मोटी मोटी जानकारी है आपको बता दी है, क्योंकि ये जो जानकारी है वो इनिशियल जानकारी है और बाकी की जो जानकारी है वो आपके सिलेक्शन होने के पश्चात की है। तो यहाँ पर यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद इस PDF को आप कंप्लीट पढ़ सकते हो। फिलहाल हमने जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो इस वीडियो में आपको दे दिया है, इसके अलावा जितने भी जो इंपॉर्टेंट जो फॉर्मेट है वो नीचे दे रखे हैं वीडियो के नीचे, तो यहाँ से आपको जैसे ही जरूरत पड़े सिलेक्शन, इसके बाद यहाँ पर कुछ अंडरटेकिंग वगैरह ये बहुत सारे फॉर्मेट हो तो इन फॉर्मेट की भी जरूरत पड़ेगी। चले जाते हैं रजिस्ट्रेशन के पोर्टल पर, तो यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन है वो किस प्रकार करोगे यानी आप किस प्रकार फॉर्म भर पाओगे ऑनलाइन, तो यहाँ पर जो वेबसाइट दे पा रहे हो इस वेबसाइट पर आपको जाना है और उसके बाद जो भी डिटेल है वो आपको यहाँ पर भरनी है। उसके लिए आपको अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की जरूरत पड़ेगी, तो इनके माध्यम से आप यहाँ पर आसानी से भर सकते हो। उसके बाद आपको अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड कर लोगे, जो भी मैसेज वगैरह आएगा OTP वगैरह भर के आपको सक्सेसफुली फॉर्म में सबमिट कर देना है। फॉर्म में जो भी बेसिक डिटेल रहती है जो कि आप भर सकते हो, जो भी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि यहाँ पर 10th के आधार पर ही है वैकेंसी सारी की सारी, तो वो 10th की मार्कशीट यहाँ पर जो भी है ऑप्शन आता है तो अपलोड कर सकते हो और है जो सारे अपलोड कर दोगे। उसके बाद यहाँ पर जो फीस की बात करते हैं तो यहाँ 100 रुपीज़ है वो फीस है। इसके अलावा तो यहाँ पर ऑल फीमेल कैंडिडेट SC ST कैंडिडेट और PWD के जो कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई फीस है वो दे नहीं है, यानी फ्री है, निःशुल्क आप फॉर्म यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर जो फॉर्म भरने से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो इनको भी आप पढ़ सकते हो, पढ़ने के बाद आप एंश्योर हो जाना। तो इस प्रकार वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वो आपको प्रोवाइड करवा दे। यदि आप इच्छुक है तो यहाँ से आप फॉर्म है वो भर सकते हो। फॉर्म भरने की जो प्रोसीजर है वो यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन है, इसको आप पढ़ सकते हो।
उसके बाद में जो अपलोडिंग डॉक्यूमेंट है उसको भी आप यहाँ पर देख पा रहे हो। तो इस प्रकार की जो फाइल फॉर्मेट रहेगा वो आप इसका ध्यान रखें और इस टाइप के जो डॉक्यूमेंट है वो फॉर्म भरने से पहले ही तैयार कर ले, जैसे कि रिसेंट फोटोग्राफी है और सिग्नेचर वगैरह है, इस प्रकार के फॉर्मेट यहाँ पर एप्लीकेबल रहेंगे। के भी आप देख पा रहे हो वो इस प्रकार के जो है वो डॉक्यूमेंट्स आपको प्री रेडी रखना है, उसी के बाद आपको फॉर्म भरना शुरू करना है। बाद में सिलेक्शन ऑफ वेरीफाइंग अथॉरिटी, यानी जो वेरीफाइंग अथॉरिटी है उसके द्वारा ही यहाँ पर आप जो कैंडिडेट है उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो इसके बारे में किस प्रकार किया जाएगा तो ये बाद की चीज़ें हैं, पहले सिलेक्शन हो जाए ये सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद भी करेक्शन फॉर्म वगैरह है तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। और यहाँ पर सारी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हमने इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश किया है। जो अंडरटेकिंग यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लिस्टेड कर रखे हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो यहाँ पर सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, जैसे कि ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास, और उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह जो भी कम्युनिटी सर्टिफिकेट है, इसके अलावा आपके जो ओरिजिनल PWD का सर्टिफिकेट है, ओरिजिनल ट्रांसजेंडर जो भी सर्टिफिकेट एप्लीकेबल रहेंगे वो सारे के सारे सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर लाना पड़ेगा, जैसे कि ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ प्रूफ है जिसके लिए आप 10th की जो मार्कशीट है वो भी एप्लीकेबल रहती है, यदि आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। उसके अलावा मेडिकल वगैरह ये सारे के सारे आपको यहाँ पर लाने पड़ेंगे, और उसके बाद यहाँ पर जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके अलावा एक्स्ट्रा है तो वो भी यहाँ पर एप्लीकेबल रहेंगे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो पोस्टें हैं टोटल कितनी है और कौन कौन से जोन में कितनी है तो इसका भी हम PDF प्रोवाइड करवा देंगे टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ से आप इसको कम्प्लीटली डाउनलोड करके और देख सकते हो। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने जितने भी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में आपको सूचना देने की पूरी कोशिश की है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को इनेबल कर दीजिए। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।